आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। जब कोरोना काल था उस समय अंग्रेजी दवाइयों की बजाय औषधीय पौधों से बनी दवाइयाँ काफ़ी असरदार रही थी। यही वजह है कि राजस्थान के भरतपुर जिले के किसानों ने औषधीय पौधों की मांग को देखते हुए परंपरागत खेती को छोड़ औषधीय पौधों की खेती शुरू की। किसानों का कहना है कि एलोवेरा, तुलसी, सतावर, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली व आंवला की खेती से कम लागत में दुगना मुनाफा ले रहे हैं। किसानों ने बताया कि वैसे भी भरतपुर जिले में बुसावर कस्बा बागवानी और नकदी फसलों के लिए पहले से ही प्रसिद्ध रहा है, लेकिन क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लंबे समय से पारंपरिक खेती से जुड़े हुए थे, लेकिन खुद के फैसले पर औषधीय खेती शुरू की व देश भर से औषधीय पौधों की मांग को देखते हुए प्रति माह करीब 1 लाख रुपए से अधिक आमदनी हो रही है। जो कार्य किया जाता है शक्तिवर्धक है, इसको आज की तारीख में नई नई तरीके से यूज किया जा रहा है। इसके कई लोग लड्डू भी बनाते हैं, लड्डू के रूप में बन रहे हैं, बर्फी भी बन रही हैं और लोगों में जागरूकता है। एक्चुअली इसके लिए शक्तिवर्धक इम्यूनिटी बूस्टर है, काफ़ी अच्छी तरह से अपनी शरीर में अंदर आने वाली बीमारियों की रोकथाम करता है, तो काफ़ी अच्छी तरह से बाजार में इसकी डिमांड है। इस ये भी एक औषधीय फसल है जो कि बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमने ये इस काम के लिए भी ध्यान दिया है, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। कोई चीज़ भी न्यूज़ चल रही है।